नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके प्यारे YouTube चैनल पर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट जर्नी। देखिए, ये क्लासेस है हमारी, आज की पहली क्लास है ये। क्लास हमारी सब जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम आने वाले हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप UPSC दे रहे हो, PPSC, PWSP, SSC, पुलिस, किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे पंजाब, दिल्ली, कॉन्स्टेबल, कोई भी अपकमिंग कितने भी एग्जाम आ रहे हो, ए ग्रेड से लेके बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, सभी एग्जाम इम्पोर्टेंट आपको MCQ देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी। इसमें हम हिस्ट्री से टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट MCQ का वो डिस्कस करेंगे। इससे आपको एक एक टॉपिक का वो आपका कवर होता जाएगा। इससे पहले कि आपने क्या करना है, आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में, ये सब आपकी जिम्मेवारी है, आपको ये करना है। आप बाकी सब प्यार आपने मुझे बहुत दिया है और मैं चाहता हूँ कि आपको उसका रिटर्न दूं। इस मतलब कि कहने का मतलब ये है कि मैं आपको चाहता हूँ कि मैं ऐसा कंटेंट दूं जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। ऐसा कंटेंट मिलेगा आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। इसमें बहुत सारे अपकमिंग एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि अर्लीस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, आपसे कह रहा है कि जो मानव था उसकी उत्पत्ति किस पीरियड में हुई थी। आपके पास चार पीरियड है, चालोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और पैलोलिथिक। देखिए, जो मानव था, मानव की उत्पत्ति जो हुई थी, सबसे पहले ये पीरियड था पैलोलिथिक पीरियड। उसके बाद आता है मेसोलिथिक पीरियड, तीसरे नंबर पे आता है नियोलिथिक पीरियड और चौथे नंबर पर आता है चालोलिथिक पीरियड। देखिए, इनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाइज भी याद करना है। पहले होता है, देखिए, सबसे पहले जो ह्यूमन है, ह्यूमन की जो उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो पैलोलिथिक पीरियड में हुई थी। इसको प्राचीन युग बोलते हैं, दूसरे नंबर पर मेसोलिथिक बोलते हैं मध्यक पाषाण युग, नियोलिथिक बोलते हैं नवीन युग और चालोलिथिक बोलते हैं नवीन से आगे वाला युग। तो इसमें क्या होता है कि हमें जो सबसे पहले जो ह्यूमन था, ह्यूमन की एग्जिस्टेंस ही हमें कहाँ मिली थी, पैलोलिथिक पीरियड में, पैलोलिथिक पीरियड में इसमें एग्जिस्टेंस देखने को मिलेगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहा है कि स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट क्या थी। देखिए, इंडस वैली की स्क्रिप्ट थी मेन, इसकी स्क्रिप्ट अभी आइडेंटिफाई नहीं हुई है। वैसे बोला जाता है कि इनकी जो स्क्रिप्ट थी ये पिक्टोग्राफी थी। पिक्टोग्राफी का मतलब ये है कि जो भी इंडस वैली के लोग आपस में बातचीत करना चाहते थे उसको ये क्या करते थे, एक पिक्चर के फॉर्म में डिनोट कर देते थे। हमें आज तक इसके 400 सिंबल मिल चुके हैं। और ध्यान रखना, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें हमें क्या मिलता है कि जो इनकी स्क्रिप्ट थी बोस्टोफेडन। ध्यान रखना है, बोस्टोफेडन मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोस्टोफेडन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, हम आजकल लिखते हैं जैसे यहाँ से लेफ्ट से राइट ऐसे लिखते हैं, बट जो बोस्टोफेडन स्क्रिप्ट थी ये यहाँ से चलती थी ऐसे चलती थी, एक सांप के जैसे चलती थी। तो आपने सब इस ध्यान रखना है कि इनकी जो अभी तक स्क्रिप्ट हुई है वो अनडिस्क्रिप्टेड है, यानी कि इसका मतलब है कि वो अभी तक हमें मालूम ही नहीं पड़ी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पिक्टोग्राफी में 400 सिंबल, बोस्टोफेडन इनकी स्क्रिप्ट का नाम है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका मेन फीचर क्या था। देखिए, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ना, इस पे लोगों ने ऐसे ऐसे घर बना रखे थे ना, जैसे आपको बात करते हैं कि जो एक दूसरे को घर क्या पूरे, जैसे एक कॉलोनी होती है, ठीक है, कॉलोनी के बेस पर घर बना के जो पूरे के पूरे घर थे वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट करते थे। जैसे यहाँ पे घर बना लिए, यहाँ पे घर बना लिए, ऐसे ऐसे कट करते थे। तो ये कहने का मतलब यह है, ये एक फुल वेलिफाइड क्या थी, सिविलाइजेशन थी। तो ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, ये शहरी सिविलाइजेशन थी ना, ये एग्रेरियन थी ना, मेसोलिथिक थी ना पैलोलिथिक थी। इसमें पूरा एक शहर बसा हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर थी। ठीक है, इसकी पहली जो साइट है वो खोजी गई थी हड़प्पा जो है इसकी पहली साइट हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना आपने ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा वेद है जो आपको सेक्रीफाइस फॉर्मूले के बारे में बताता है, इनमें से कौन सा वेद है जो आपको सेक्रीफिशियल फॉर्मूले के बारे में बताता है। देखिए,
हमारे टोटल चार संविधान है, हमारे टोटल चार वेद हैं। इनमें से सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, ऋग्वेद। दूसरे नंबर देखिए जो ऋग्वेद है इसमें हमें क्या मिलता है, मूल मंत्र मिलते हैं, मूल मंत्र मिलते हैं, सभी मूल मंत्र इसमें बताए गए हैं। और सामवेद के, सामवेद में हमें बताया गया है म्यूजिक के बारे में। और यजुर्वेद के, यजुर्वेद में, यजुर्वेद है जो इसके बाद, इसमें इसमें हमें पता चलता है सैक्रिफाइस के बारे में, सैक्रिफाइस के बारे में। और अथर्ववेद है जो इसमें चौथा वेद है, इसके इसमें हमें पता चलता है ब्लैक मैजिक के बारे में, ब्लैक मैजिक। ये चार वेद हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। जो ऋग्वेद था ये सबसे पहले लिखा गया था, ध्यान रखना, सबसे फर्स्ट में पहले कौन लिखा गया था, ऋग्वेद लिखा गया था। और इसमें शब्द हैं हम जिनको बोल देते हैं उनका जिक्र किया गया है। और बाकी के जो तीन वेद हैं ये लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए थे। तो आपसे बोला है कि इनमें से कौन सा सैक्रिफिशियल के बारे में बताता है, तो आपका यजुर्वेद, यजुर्वेद हमें क्या बताता है, सैक्रिफाइल रस्म, रीति रिवाज, रस्मों के बारे में हमें ये सभी बताता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि वैदिक पीरियड वर्णा सिस्टम इज बेस्ड ऑन, आपसे कह रहा है कि जो वैदिक पीरियड था हमारे इतिहास में, दो पीरियड हुए हैं, एक होता है अर्ली वैदिक पीरियड, एक होता है लेटर वैदिक पीरियड। जो अभी मैंने आपको बोला है कि जो अपना ऋग्वेद था, ऋग्वेद था जो अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया था, बाकी के जो तीन वेद बचे थे वो लेटर वैदिक पीरियड में बचे गए थे। उसी के हिसाब से जो वर्ण सिस्टम था, देखिए वर्ण सिस्टम है क्या था, सबसे पहले जो पूरे लोग थे उनको चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। सबसे सबसे ऊपर आते थे ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स। दूसरे नंबर पे आते थे क्षत्रियास, तीसरे नंबर पे आते थे वैश्य, और चौथे नंबर पे आते थे शूद्र। देखिए ये जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण का काम, ब्राह्मण्स का काम होता है टीच करना, टीचर थे ये। और क्षत्रियास, क्षत्रियास का काम होता था लड़ाके करना, ये फाइटर्स होते थे, ठीक है। जो राजे होते थे वो क्या होते, क्षत्रियास में आते थे। और वैश्य क्या होता है, वैश्य क्या, वैश्य का मतलब था बिजनेसमैन, बिजनेसमैन जो होते थे ये सभी वैश्य कहलाते थे। और शूद्र क्या होते थे, शूद्र को बोला गया था कि ये नीच वर्ग है, उस समय बोला गया था कि ये नीच वर्ग है, इनको हम ऐसे एज अ स्लेव के रूप में देखा जाता था। तो ध्यान रखना है इस बात का, अभी ये जो सिस्टम चल रहा था अर्ली वैदिक पीरियड में, ये सिस्टम पूरा ना पूरा किया ऑक्यूपेशन बेस्ड था। ऑक्यूपेशन जैसे जो कोई टीचर है वो उनको ब्राह्मण का दर्जा देता है, जो लड़ाके हैं जो क्षत्रिय सेना में भर्ती होते हैं उनको क्षत्रियास का दर्जा देते हैं, जो कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस करने की सोचता था उसको वैश्य का दर्जा दिया जाता था, और स्लेव जो होते थे उनको शूद्र का दर्जा दिया था। तो ये पूरा वर्ण सिस्टम किस पर आधारित था, ये ऑक्यूपेशन के, ऑक्यूपेशन पर आधारित था। जो कित्ता था हर एक व्यक्ति का अलग अलग, जो कित्ता था उस पर ये आधारित था। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड, ग्रेट बाथ था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो कहां मिला है। तो ध्यान रखना है, देखिए हमारे जो इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं, चलिए इनको खिलाते हैं। देखो जो हड़प्पा थी, हड़प्पा इज द फर्स्ट साइट, हड़प्पा की थी जो फर्स्ट साइट थी, उसके बाद मोहनजोदड़ो, रोपड़ एंड कालीबंगा। हड़प्पा, देखिए जो हड़प्पा की, हड़प्पा की खोज है एक आर डी बैनर्जी ने करी थी, आर डी बैनर्जी ने करी थी। ध्यान रखना है हड़प्पा की खोज, सॉरी मोहनजोदड़ो की खोज दयाराम, मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बैनर्जी ने करी थी, और हड़प्पा की खोज करी थी दयाराम सानी ने, दयाराम सानी ने खोज करी थी। और उसके बाद बात करते हैं रोपड़ की, रोपड़ की जो साइट है इसको खोजा गया था वाई डी शर्मा के द्वारा, इसको खोजा गया था वाई डी शर्मा के द्वारा। और कालीबंगन जो इंपॉर्टेंट साइट है इसका फाउंडर था अमलानंद घोष, अमलानंद घोष इनके फाउंडर थे। तो ध्यान रखना है आपने ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ क्या था, देखिए जैसे हमारी पवित्र नदी गंगा है, उस समय जो ग्रेट बाथ था उसको पवित्र माना जाता था, कि पूरे के पूरे जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं वो पूरे के पूरे लोग इसमें आके नहाने की कोशिश करते और पाप धोते थे, ऐसा कुछ माना जाता है, ऐसे रिचुअल्स वास थे, ठीक है। तो ये ग्रेट बाथ है जो हमें कहाँ पे मिला है, तो ध्यान रखना है ये मोहनजोदड़ो में मिला है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हड़प्पा फर्स्ट साइट थी जिसकी खोज दयाराम सानी द्वारा की गई थी, ध्यान रखना। चलिए आपसे कह रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आदमी के द्वारा
पहली जो मेटल यूज करी गई थी वो धातु कौन सी थी, तो आपने ध्यान आंसर देना है। देखिए एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग आयरन के बारे में आयरन के बारे में अननोन थे। इनको आयरन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। इनको सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, इनको सभी के सभी धातु का यूज करते थे, बट ये आयरन से अननोन थे, लोहे से अननोन थे, ये आयरन को यूज नहीं करते थे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जो सप्तमें जयते शब्द है, जो सप्तमें जयते शब्द है जिसको देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, ये कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है? ये पारसान से लिखा, मंडुका से लिखा, मंडुका और ईश्वर से। तो जल्दी बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है कि आपके लिए सप्तमें जयते शब्द है जो, ये कौन सी स्क्रिप्ट है, कौन सी स्क्रिप्ट है? तो ध्यान रखना है ये देवनागरी स्क्रिप्ट है और इसको मंडुका उपनिषद से लिया गया है। ध्यान रखना इसको कहां से लिया है, मंडुका उपनिषद से। और ध्यान रखना ये पाली लैंग्वेज का वर्ड है, ध्यान रखना ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, पाली लैंग्वेज का वर्ड है, ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोथल इज अ साइट, लोथल आपसे बोल रहा है कि लोथल ये स्थान है, निम्नलिखित में से कहां पाया जाता है, किस साइट में पाया जाता है? देखिए ये जो लोथल साइट है ये इंडस वैली की साइट है, मेसोपोटामिया की साइट है, इजिप्ट की साइट है या पर्शियन की साइट है। देखिए लोथल क्या था, लोथल एक डॉकयार्ड था। डॉकयार्ड का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पे क्या होता था, जो शिप होते हैं, जहाज होते हैं, बंदरगाह थी, एक बंदरगाह की साइट है। और ये लोथल है कहाँ पे, ध्यान रखना ये लोथल है गुजरात में। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की ओनली वन साइट थी जो कि गुजरात में पाई गई है। और इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिलती है, जैसे हमें यहाँ पे कैंपस मिलता है, कंपास मिलता है, कंपास, ठीक है, कंपास मिलता है। दूसरे नंबर पे हमें यहाँ टेराकोटा, ध्यान रखना टेराकोटा से मिला, टेराकोटा से बना हुआ एक शिप भी यहाँ पर मिलता है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसी कौन सी साइट थी जिसमें कोई भी किला नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसी कौन सी साइट थी जिसमें कोई भी किला नहीं था? तो देखिए ध्यान रखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितनी भी साइट्स फाउंड हुई हैं अभी तक, उनमें सभी में किला पाया गया है। लेकिन आपसे कह रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसी कौन सी साइट थी जिसमें किला नहीं पाया गया था, तो ध्यान रखना है ये साइट थी चांगुंगा। इस साइट में कोई भी किला नहीं पाया गया था। ये कालीबंगन है, कालीबंगन राजस्थान में है। हड़प्पा सिविलाइजेशन आपको पता है, आपसे बता दिया मैंने, इसकी खोज दयाराम सानी द्वारा की गई थी, मोहनजोदड़ो, आरडी बैनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। और प्लस इनके एक अंग्रेज व्यक्ति था, उसका नाम था जॉन मार्शल, ध्यान रखना है जॉन मार्शल थी जो इनके साथ थे। ये ओनली इंग्लिश मैन थे जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट ढूंढने में इंडिया वालों की मदद की, ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन वास डिस्कवर्ड, हड़प्पा सिविलाइजेशन वास डिस्कवर्ड इन विच ईयर, हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज किस साल में हुई है, 1935, 42, 1901 और 1921। ध्यान रखना है आपको, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ये पहली खोजी गई साइट थी, इसकी खोज 1921 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, दयाराम सानी द्वारा, ध्यान रखना किसके द्वारा की गई थी, दयाराम सानी द्वारा इसकी खोज करी गई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये कहाँ है, ध्यान रखना है हड़प्पा, ये नियर साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान है, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में ये खोज करी गई। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको साथ में नोट करते जाना है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहा है कि कालीबंगन इंडियस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट है वो किस स्टेट में है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो कालीबंगन साइट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है इंडियस वैली सिविलाइजेशन की, ये हमें कहां पे मिली थी, राजस्थान में मिली थी। राजस्थान में देखिए इनका नाम कालीबंगन इसलिए पड़ा था क्योंकि हमें यहाँ पर ब्लैक कलर की बैंगल्स मिली थी, चूड़ियां मिली थी, जिस वजह से इसका नाम कालीबंगन साइट पड़ा गया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसमें हमें ब्लैक बैंगल्स के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि पोइट्री के निशान भी, पोइट्री जो कहानियां होती हैं यहाँ पर मिले थे, ये आपको बात ध्यान रखनी है।
ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहा है कि लॉर्ड बुद्धा वास लॉर्ड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सर्मन। आपसे कह रहा है कि लॉर्ड बुद्धा ने अपना पहला जो प्रचार था वो कहां पर किया था। तो ध्यान रखना, लॉर्ड बुद्धा के बारे में बता देते हैं आपको। देखिए, जो लॉर्ड बुद्धा थे, इनके काफी बचपन के नाम ध्यान रखने हैं, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनसे, ये सभी आपको क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं इनके। इनको बचपन में बुद्ध भी बोला जाता था, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ भी था और इनको तथागत के रूप में भी जाना जाता था, और इनका जन्म हुआ था 563 BC में हुआ था, 563 BC में, और कहां पर हुआ था ध्यान रखना, 563 BC लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी आजकल कहां है, नेपाल में। और दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है, इनको जो पहली बार ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई थी, सारनाथ उत्तर प्रदेश में हुई थी। और इनका जो इन्होंने पहला जो इन्होंने जो फर्स्ट अपना प्रचार किया था, उसका प्रचार का नाम था धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र जो इनका फर्स्ट स्पीच थी जो इन्होंने पहले दी थी। ठीक है, और इन्होंने इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको बोध गया बिहार में। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको नोट करने हैं, साथ साथ में ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहा है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी बुद्धिस्ट लिटरेचर है। तो देखिए, इनमें से कौन सी बुद्धिस्ट लिटरेचर है, त्रिपिटक, उपनिषद, अंजास ते अरंक्यास। देखिए, त्रिपिटक है ये जो हॉली बुक है, जैसे हमारे पवित्र ग्रंथ है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, गीता भगवत गीता है, ऐसे ऐसे बुद्धिस्ट लिटरेचर में त्रिपिटक जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये कंपाइल होती है तीन, देखिए इनमें तीन पिटाक्स और ऐड किए जाते हैं, जैसे है विनय पिटाक, दूसरा है सुट्टा पिटाक और तीसरा है अभिधर्म पिटाक। ये जो तीनों पिटाक हैं, ये भी बुद्धिस्ट लिटरेचर में हमें देखने को मिलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी। आपसे कह रहा है कि द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा बिलोंग टू। आपसे कह रहा है कि अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो इनमें से किस धर्म के बिलोंग करती हैं। तो इनमें से कौन से धर्म में बिलोंग करती है, जैन धर्म, बुद्धिस्ट धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। तो ध्यान रखना है, अजंता और अलोरा की गुफाएं हैं जो, ये किस धर्म से बिलोंग करती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, ये बुद्ध धर्म से बिलोंग करती हैं। देखिए, ये जो जैन ये बुद्ध धर्म की बिलोंग ये जो गुफाएं हैं, इनको बनाया गया था, एक वंश होता था उसमें राष्ट्रकूटास वंश था, उन्होंने ये गुफाएं बनाई हैं। और उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो किंग था ये था कृष्णावन जो था, मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा था, रूलर था, उन्होंने ये गुफाएं बनाई। आपसे कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक एम्बेसडर कौन से आए थे। तो आप, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिला है, ये बहुत सारे एग्जाम में आता हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना है, सेल्कस गेटर दे, देखिए ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य की जो शादी हुई थी, ये सेल्कस गेटर की एक बेटी थी जिनका नाम था हेलिना से मैरिज हुई थी, जो कि यूरोप से थी। ठीक है, और इन्होंने सेल्कस गेटर वापस बाद में इंडिया छोड़कर यूरोप चले गए थे और वहां पर जाके इन्होंने एक ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीस को इंडिया भेजा था और इन्होंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी मेगास्थनीस ने, इंडिका रिपब्लिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है मेगास्थनीस की, इन्होंने लिखी थी। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट है, आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहा है कि त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। आपसे कह रहा है कि जैन धर्म के त्रिरत्न में से इनमें से कौन सा त्रिरत्न नहीं है, त्रिरत्न नहीं है पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। देखिए,
त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म कौन से है? राइट फेथ, आपको गॉड पर पूरा पूरा यकीन होना चाहिए, राइट नॉलेज, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, और राइट कंडक्ट, आपके कर्म सही होने चाहिए, और राइट व्यू है जो त्रिरत्न में नहीं आता। इन्होंने नॉट पूछा था, यही अपना करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहा है कि बुद्धिस्ट मॉन्क जिन्होंने अशोका को इन्फ्लुएंस किया था बौद्ध धर्म अपनाने के लिए, इनमें से कौन से ये बौद्ध धर्म है, बुद्धिस्ट मॉन्क है जिन्होंने अशोका को इन्फ्लुएंस किया था? तो ध्यान रखना है ये बौद्ध, देखो जो बैटल हुई थी, एक बैटल हुई थी 261, इसको बोला जाता है बैटल ऑफ कलिंगा, बैटल ऑफ कलिंगा, कलिंगा का युद्ध हुआ था 265 ईस्वी में। ये इसमें क्या होता है, 150,000 लोगों को अशोका ने क्या कर दिया था, मार दिया था। और उसके बाद जो अशोक थे उन्होंने उपगुप्ता के अंडर आके क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और उसके बाद इन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ध्यान रखना है नेक्स्ट, ये आपको जो वीडियो में कंटेंट दिख रहा है आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, घंटियां बजा देनी है, ताकि जो अपकमिंग जो भी अनदर हमारी वीडियो आपके अब तक पहुंचती रहे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कि बुद्धा बिलोंग टू, बुद्धा जो बौद्ध गौतम बुद्धा थे ये कौन से वंश से बिलोंग करते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शाक्य वंश थे, मौर्य वंश थे, कुरु वंश थे, खनत्रिका वंश थे? तो जल्दी बताइए, आपका कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। देखिए ये जो गौतम बुद्धा जी थे ये शाक्य मुनि थे, इनको बचपन का नाम इनका शाक्य मुनि था। क्यों बोला जाता था, क्योंकि इनको इनके इनके जो पापा फादर साहब थे वो क्या थे, शाक्य वंश को बिलोंग करते थे, और ये शाक्य वंश को बिलोंग करते थे। ध्यान रखना इस बात का। आपसे कह रहा है कि एट फोल्ड पाथ, अष्ट मार्ग दर्शन भी बोलते हैं इनको, अष्ट मार्ग, एट फोल्ड पाथ को क्या बोलते हैं, अष्ट मार्ग बोलते हैं, ये किन्होंने दिए थे? अष्टमार्ग है, अष्टमार्ग का कंसेप्ट किन्होंने दिया था? अष्टमार्ग को प्राप्त करके आप क्या करते हो, कर सकते हो भगवान को प्राप्त कर सकते हो, जो भी आपके अंदर दुख दर्द पीड़ा है उनके उनसे आप क्या मुक्ति ले सकते हो। तो ये अष्टमार्ग का कंसेप्ट महावीर ने दिया था, गौतम बुद्धा, आदि शंकराचार्य और कबीर जी ने दिया था। तो ध्यान रखना है आपको जो अष्टमार्ग थे ये गौतम बुद्धा जी ने दिए थे। अगर आपको जीवन में शांति चाहिए, जहाँ आपने भगवान को पाना है, तो इन सभी अष्ट मार्गों का ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ये अष्ट मार्ग थे जो आठ मार्ग दर्शन बताए गए थे, राइट वेट कंडक्टर, राइट नॉलेज, राइट ज्ञान, ये सभी अष्ट मार्ग थे, ये सभी के सभी गौतम बुद्ध जी ने बताए गए थे बौद्ध धर्म के बारे में बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द फर्स्ट टीचर ऑफ गौतम बुद्धा। आपसे कह रहा है कि गौतम बुद्धा के पहले गुरु कौन थे, पहले गुरु कौन थे? अष्टमुनि थे, बिंबिसार से अलार कमला। तो ध्यान रखना है अलार कमला जो थे, जो गौतम बुद्ध जी के नाम में प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक हो जाती है, सब हो सकती है, अलारा कलमा जो गौतम बुद्ध थे के पहले गुरु थे। देखिए गौतम बुद्ध के दो गुरु थे, एक थे अलारा कलमा और दूसरे गुरु थे उद्रक राम पुत्र। देखिए ये पहले गुरु थे और ये दूसरे गुरु थे। गौतम बुद्ध ने दो गुरुओं से आज तक पढ़ाई की थी, ये पहले थे अलारा कलमा और दूसरे थे उद्रक राम पुत्र। पहले अलारा कलमा से पढ़ाई की गौतम बुद्ध की, जब नॉलेज अलारा कलमा के बराबर हो गई थी, और तभी इन्होंने दूसरे उपगुप्ता के पास जाने के लिए अलारा कलमा जी ने बोला था गौतम बुद्ध जी को। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपसे कह रहा है कि थ्री स्कॉलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि जो ये थ्री स्कॉलर थे कौन कौन से, कपिला, गार्गी और मैत्रेया। कपिला, गार्गी और मैत्रेया ये थ्री स्कॉलर थे, ये कौन से एंशियंट समय से बिलोंग करते थे, कौन से एंशियंट भारतीय तीन शहरों में ये बात करी गई है? तो बताइए खासी, मिथिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, जल्दी बताइए।
देखिए जो दो जो जो थ्री स्कॉलर थे ये कौन थे, मिथिला के स्कॉलर थे। मिथिला कहाँ पे है, ये जनकपुर में, ध्यान रखना जनकपुर, जनकपुर में बिलोंग करते हैं। जनकपुर कहाँ है, नेपाल में, ध्यान रखना नेपाल में। ये जो थ्री स्कॉलर थे कहाँ से बिलोंग करते थे, एंशिएंट समय में मिथिला से बिलोंग करते थे। आपसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपसे कह रहा है कि मोस्ट लास्टिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ राष्ट्रकूटास, आपसे कह रहा है कि जो राष्ट्रकूटास थे इनका सबसे 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 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण योगदान किस में है, कैलाश टेंपल में, पंपा, कोना, रमना और कन्नड़ पोएट्री, कैलाश टेंपल। नेक्स्ट बात कर रहा है कि जैनिज्म में और जो इन्होंने एरिया कैप्चर किया था। तो ध्यान रखना है जो राष्ट्रकूटास थे इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट, बात करते हैं राष्ट्रकूटास की, राष्ट्रकूटास का मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्होंने पंपा, कोना एंड थ्री राइटर्स को अपने कन्नड़ पोएट्री राइटर के इन्होंने को संरक्षण दिया था और इन्होंने फेमस कैलाश टेंपल भी बनवाए थे राष्ट्रकूटास। ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अ सेमी सर्कुलेशन स्ट्रक्चर वास, आपसे कह रहा है कि इनमें से ये कौन सा सेमी सर्कुलेशन स्ट्रक्चर है जिसमें एक ऊपर की तरफ एक रूफ बताई गई है, ऊपर की तरफ किया एक रूफ बताई गई है। ये बुद्धा जिसमें आप जो गौतम बुद्ध थे इनकी अस्थियों को रखा गया है, ये इसको क्या बोलते हैं, ध्यान रखना इसको इनको बोलते हैं स्तूप्स। स्तूप्स जो ये स्तूप से सांची के स्तूप ये किसने बनाए थे, सम्राट अशोका द्वारा बनाए गए थे। ये सभी बौद्ध धर्म के रिलेटेड है। ध्यान रखिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम ऑफ द फेमस किंग ऑफ कुशाना वंश, आपसे कह रहा है कि कुशाना वंश का फेमस राजा कौन सा था, कनिष्क, पुलकेसिन, हरिसेना, विक्रम आदित्य। तो ध्यान रखना है जो फेमस कुशाना वंश थे इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग थे ये तो कनिष्क। देखिए ये कनिष्क ने क्या करा है, इंडिया का भारत सरकार ने जो अनाउंस किया है कैलेंडर, इसको बोलते हैं हम साका एरा। साका एरा की शुरुआत किसने की थी, कनिष्क ने करी थी। ये कब करी थी, 78 एडी में साका एरा की कनिष्क ने शुरुआत करी थी, जिसको भारत सरकार ने ऑफिशियल कैलेंडर घोषित किया हुआ है। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आपको बस क्या करना है, आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, इसी तरह आपको डेली बेसिस पर और अच्छे तरीके से वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आज से हमने पहली क्लास थी, पहली जर्नी स्टार्ट करी थी, तो इससे आगे आप हम धीरे धीरे अपनी जर्नी इसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और घंटियां बजा देनी है, ठीक है, यही आपका काम। थैंक यू सो मच।